आज तारीख हो चुकी है 23 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी बिल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2024 के एडिशन के शेड्यूल को लेकर। दरअसल फाइनली सभी फैंस को इंतजार था कि कब आईपीएल का शेड्यूल आएगा। हमने पहले ही रिवील कर दिया था कि 23 फरवरी से पहले हमें आईपीएल शेड्यूल देखने को मिलेगा। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हमने यहां पर लगभग 2 सप्ताह पहले ही यह बता दिया था कि 23 फरवरी से पहले शेड्यूल आएगा और कल फाइनली हमें आईपीएल का शेड्यूल देखने को मिला। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीट यहां पर आईपीएल का शेड्यूल देख पाओगे। शुरुआती 21 मुकाबलों का आप शेड्यूल देख पाओगे जहां पर 22 मार्च से आईपीएल शुरू होना है। चेन्नई और आरसीबी के मुकाबले के साथ आईपीएल का शुभारंभ हो जाएगा और इस प्रकार से शुरुआती यहां पर 21 दिनों का यहां पर आईपीएल 21 मैचेस का यहां पर आईपीएल का शेड्यूल इस प्रकार से यहां पर हाल फिलहाल में फाइनलाइज हुआ। हालांकि बचा हुआ शेड्यूल एक बार आईपीएल शुरू हो जाएगा तब यहां पर आएगा आईपीएल। 22 मार्च से यहां पर शुरू होगा तो 22-23 मार्च को बचा हुआ शेड्यूल आ जाएगा। उस समय तक यहां पर इलेक्शन कंप्लीटली यहां पर फाइनलाइज हो जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग यहां पर बचा हुआ शेड्यूल आ जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आप हैज ऑफ नाउ जो शेड्यूल आया उसमें से कौन से मुकाबले के लिए आखिर सबसे अधिक एक्साइटेड हो। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2024 के एडिशन के मुकाबलों की टाइमिंग्स को लेकर। दरअसल आईपीएल 2024 के एडिशन के मुकाबलों की टाइमिंग्स रिवील हो चुकी है आखिर कौन से मुकाबले कितनी बजे शुरू होंगे। तो आईपीएल के मुकाबले एक दिन में सैटरडे और संडे को 2 मुकाबले होंगे। जो यहां पर 2 मुकाबले होंगे उनमें दोपहर का मुकाबला जो पहले होता था उसी प्रकार से 3:30 बजे शुरू होगा और शाम का मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही जो यहां पर 22 तारीख को मुकाबला होना है चेन्नई आरसीबी का पहला मुकाबला होना है वो मुकाबला 8 बजे शुरू होगा। वो इकलौता मुकाबला है जो कि रात 8 बजे शुरू होगा। इसके अलावा सभी मुकाबले 7:30 बजे शुरू होंगे तो उस दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग सेरेमनी समाप्त होने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। इस वजह से वो मुकाबला थोड़ा यहाँ पर लेट शुरू होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप पहले मुकाबले के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मोहम्मद शमी की तरफ से। दरअसल मोहम्मद शमी की तरफ से यहाँ पर काफी बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है जहां पर मोहम्मद शमी अब आईपीएल 2024 के एडिशन से रूल आउट हो चुके हैं गुजरात के लिए। ये बुरी खबर है। दरअसल मोहम्मद शमी जिन्होंने यहां पर इंजेक्शन लगा कर यहां पर वर्ल्ड कप खेला था, भारतीय टीम के लिए काफी एफर्ट्स लगाए थे और वर्ल्ड कप के बाद से ही ये लंबे समय से इंजर्ड चल रहे और अब तो रिपोर्ट्स ये है कि T20 वर्ल्ड कप भी ये मोस्ट लाइकली मिस करेंगे। तो यहां पर करंटली बुरी खबर भारतीय टीम के लिए और गुजरात के लिए निकल गई। हालांकि गुजरात ने इनकी यहां पर रिप्लेसमेंट फाइनलाइज कर दी जो कि वीडियो में आगे जाकर आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले क्योंकि ये सारी खबरें हम पहले टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं तो आपको सारी खबरें वैसे भी वहां पर सबसे पहले मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आते होते गुजरात की तरफ से। दरअसल गुजरात टाइटंस ने शमी की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब तक यहां पर कुछ खिलाड़ियों के साथ बातचीत करी है। हेज़ ऑफ जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कमलेश नागरकोटी और मोहम्मद केपी ये दो यहां पर युवा गेंदबाज गुजरात में रिजर्व के तौर पर मौजूद थे। गुजरात ने इनको रिजर्व के तौर पर यानी नेट बॉलर के तौर पर वैसे भी सेलेक्ट कर रखा था। तो इनमें से एक खिलाड़ी मोस्ट लाइकली शमी को रिप्लेस करेगा इंडियन प्लेयर के तौर पर। तो इन दो में से एक प्लेयर यहां पर रिप्लेस करेगा और अगर ये टीम विदेशी प्लेयर देखती है तो विदेशी प्लेयर के तौर पर जोश हेजलवुड शायद वो प्लेयर होंगे। लेकिन जोश हेजलवुड को लेकर बुरी खबर ये कि जोश हेजलवुड शायद आईपीएल में अप्रैल के महीने में अवेलेबल नहीं होंगे, मई के महीने में वो अवेलेबल होंगे। तो कुल मिलाकर करंटली गुजरात के लिए समस्याएं बढ़ चुकी है। वैसे गुजरात की टीम अब जल्दी रिप्लेसमेंट अनाउंस करने वाली और जो भी रिप्लेसमेंट अनाउंस करेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपडेट करेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है डब्ल्यूपीएल के दूसरे एडिशन को लेकर। दरअसल फाइनली आज से यहां पर डब्ल्यूपीएल के दूसरे एडिशन की शुरुआत होने वाली है। आज यहां पर एमआई और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के साथ डब्ल्यूपीएल के दूसरे एडिशन का शुभारंभ हो जाएगा। पिछले साल के डब्ल्यूपीएल की फाइनलिस्ट टीमों के साथ आज यहां पर डब्ल्यूपीएल का शुभारंभ होगा। तो आज यहां पर शाम 7:30 बजे से आप डब्ल्यूपीएल को यहां पर जियो सिनेमा पर और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख पाओगे। आप कमेंट करके बताइए आप डब्ल्यूपीएल को या फिर डब्ल्यूपीएल के मुकाबले आखिर रात से देखोगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। दरअसल आज डब्ल्यूपीएल का मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उससे पहले शाम 6 बजे से हमें डब्ल्यूपीएल की धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी जहां पर ओपनिंग सेरेमनी में यहां पर शाहिद कपूर, वरुण धवन, इसके साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, इसके साथ ही शाहरुख खान ये परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। और जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे, वहां पर आपको लाइव देखने को मिलेगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन
बॉक्स खोल कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले और आप कमेंट करके बताइए आप आखिर यहाँ पर WPL की इतने सारे एक्ट्रेस के साथ आगे धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है IPL 2024 के एडिशन की ट्रेड विंडो को लेकर। दरअसल IPL 2024 के एडिशन की ट्रेड विंडो जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन ट्रेड विंडो रही थी, जिसमें हार्दिक पांड्या ट्रेड हुए थे, इसके साथ ही और भी बड़े बड़े खिलाड़ी ट्रेड हुए थे, वो ट्रेड विंडो अब शेड्यूल आते ही अब समाप्त भी हो चुकी है। ट्रेड विंडो की समाप्ति हो चुकी है और रोहित शर्मा जिन पर सवाल थे कि वो आखिर सेकंड ट्रेड विंडो में ट्रेड होंगे या फिर नहीं, काफी सारी टीमों ने उनसे अप्रोच भी करी थी, लेकिन रोहित शर्मा मुंबई के प्रति पूरी तरीके से लॉयल रहे, उन्होंने मुंबई को नहीं छोड़ा है क्योंकि इनका मुंबई के साथ 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस साल IPL के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, IPL के बाद ये टोटली यहाँ पर ट्रेड के लिए अवेलेबल या फिर ट्रेड के अलावा ये ऑक्शन में जाने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो अगले साल रोहित शर्मा मुंबई को छोड़ रहे, लेकिन इस साल तो ये मुंबई के लिए पूरी तरीके से लॉयल। आप कमेंट करके बताइए आप अगले साल रोहित को आखिर कौन सी टीम में देखना चाहोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले को लेकर। दरअसल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भारत और इंग्लैंड का चौथा मुकाबला शुरू हो गया होगा, जहां पर भारतीय टीम का प्रयास रहेगा कि ये मुकाबला जीत करे, अब सीरीज को यहीं पर समाप्त कर दे, यहीं पर यहाँ पर 3-1 से सीरीज जीत जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या कमजोर यहाँ पर टीम होने के बाद भी और बड़े प्लेयर बाहर होने के बाद भी क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत कर सीरीज जीतेगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।